औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलल उक़दत मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर अली अहमद, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। देखें, आपने चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 14 आपने रीड किया था इन द फर्स्ट ईयर। उसमें आपने क्या चीज़ रीड की थी? उसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने रीड किया था, और ये है आपका चैप्टर नंबर 15 जिस पे आप रीड करेंगे अबाउट द होम्योस्टेसिस। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनमें मेंटेनेंस है, अगर उनमें बैलेंस है, अगर उनका कोई सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है, तो वो चीज़ जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करती है, वो चीज़ अपना फंक्शन जो है वो इफ़िशेंटली पे करती है। तो याद रखिए, हमारे सिस्टम में, हमारे अगर इंटरनल बॉडी सिस्टम में अगर कोई सिस्टम नहीं रेगुलेट है, उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो याद रखिए हमारा बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो डिजीज़ उसमें काज होगी। तो उस डिजीज़ से बचने के लिए ह्यूमंस में एक बैलेंस ऑफ द सिस्टम है, एक रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम है, एंड दैट रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम दैट बैलेंस ऑल द एक्टिविटीज़ डैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम इसको, इसके जो वर्ड है इसको हम समझेंगे कि वट इज़ द होम्योस्टेसिस, देन वी डिफाइन इट, देन वी एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस। सो लेट्स स्टार्ट इट। होम्योस्टेसिस, देखें होम्योस्टेसिस दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक होमियो से और एक स्टेसिस से। होमियो का मतलब होता है सेम, जबकि स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन। सेम कंडीशन रिक्वायर होती हैं किसी भी सिस्टम में, अगर वो किसी सिस्टम में एक सेम कंडीशन से काम करता रहे तो वो इफ़िशेंटली काम करता है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, और वह चेंजिंग्स जो आती हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस की वजह से आती है। तो याद रखें, हमने उसी चीज़ को डिफ़ाइन किया। अच्छा, एक चीज़ को आप समझें, दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को ह्यूमंस में इंटरनल बॉडी फ्लूड्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनमें जो इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखें, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, आपका इंटरनल सिस्टम भी तब इफ़ेक्ट होता है। आपके एक्सटर्नल सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा टम्परेचर है तो आपका इंटरनल सिस्टम भी, जाहिर सी बात है, वो भी चेंज हो जाएगा। आपका जो, आपको प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा, पायरिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको थ्रस्टिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपका एक्सटर्नल टम्परेचर जो है, जब उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं तो आपका इंटरनल सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप इंटरनल सिस्टम को एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से आप बचाते हैं, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन की हार्म से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। सो नाउ वी डिफाइन इट, व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस। तो देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस जो हैं उनसे बचने के लिए, किसको बचाना है? अपने इंटरनल इन्वायरमेंट। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो आपने इसको लाजमी तौर पर मेमोराइज करना है, व्हाट इज़ द होम्योस्टेसिस, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। अब एक चीज़ देखें, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस की वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं? तो याद रखें, इंटरनल इन्वायरमेंट में वो कंपोनेंट्स आपका वाटर और सॉल्यूट्स हैं। जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ये वाटर और सॉल्यूट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टम्परेचर चेंज होगा तो आपका इंटरनल टम्परेचर भी चेंज होगा, ग्लूकोज का लेवल भी चेंज होगा, और आपके जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का मैकेनिज्म है, वो भी चेंज होगा। अब इस तमाम इंटरनल सिस्टम को हमने प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। सो आगे क्या होता है कि हम होम्योस्टेसिस को मजीद सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। एक सिस्टम ऐसा होगा जो वाटर और सॉल्यूट्स को रेगुलेट करेगा, एक सिस्टम ऐसा होगा जो इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, एक सिस्टम ऐसा होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट के सिस्टम को रेगुलेट करेगा। सो
इसी वजह से हम इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं होम्योस्टेसिस को अगेन सिस्टम्स में। तो देखें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखें आपका मैकेनिज्म जो कि सॉल्यूट्स और वाटर को रेगुलेट करता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। इसकी दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या? द मैकेनिज्म विच रेगुलेट द सॉल्यूट्स एंड वाटर, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ उसने ये लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन जनरली अडेप्टेड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट और सॉल्यूट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप दोनों तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड यही होगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर आपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करना है और इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए आपको मैकेनिज्म चाहते हैं, डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। याद रखें, थर्मो रेगुलेशन आपके इंटरनल टेम्परेचर को फिक्स नहीं करेगा कि भाई आपने इतना ही टेम्परेचर आपके इंटरनल बॉडी का रहना, चाहे एक्सटर्नल में जितनी मर्जी फ्लैक्चुएशंस हैं, ये इम्पॉसिबल है। इंटरनल टेम्परेचर में फिर भी फ्लैक्चुएशंस आएंगी, लेकिन फ्लैक्चुएशंस इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी कि जो आपका बॉडी का सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो जो फ्लैक्चुएशंस आएंगी, जो इंटरनल टेम्परेचर में चेंजिंग्स आएंगी, वो टॉलरेबल रेंज में होगी। मीन द मैकेनिज्म डैट कीप्स द इंटरनल टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि नैरो रेंज में रखेगा, डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। लेट्स एक्सप्लेन इट अगेन कि देखिए, आपके इंटरनल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो 36 से 38 सेल्सियस होती है। अगर आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर में चेंजिंग है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 37.1 सेल्सियस होती है। जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो इसमें कितना का इजाफा होगा, 37.2 हो जाएगा, 37.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 38 तक मैक्सिमम होगा, 39 कभी कभी सिचुएशंस में आता है तो उस वक्त पायरेक्सिया यानी कि फीवर की कंडीशंस में आप चले जाते हैं। तो जब ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आप फीवर में चले जाएंगे। लेट्स, अगर आपका बाहरूनी टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर विंटर सीज़न है, कोल्ड सीज़न है, और उसमें आपका जो टेम्परेचर वो 37 से बिलो हो जाएगा, वो 37.0 हो जाएगा, वो 36.9 हो जाएगा, 36 तक मैक्सिमम जाएगा। अगर उससे नीचे जाएगा तो आपको शिवरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी कि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो थर्मो रेगुलेशन जो है वो उस मैकेनिज्म में इंटरनल टेम्परेचर को आप नॉर्मल रेंज में रखते हैं, नैरो रेंज में रखते हैं, फिक्स रेंज में नहीं रखते। ये थर्ड पैराग्राफ में आएगा भी कि फिक्स होम्योस्टेसिस में नहीं होता, नैरो रेंज होती है, वो भी चेंज हो सकता है लेकिन टॉलरेबल रेंज में होगा, इतना ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट, वो मैकेनिज्म जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करेगा, एलिमिनेट करेगा फ्रॉम द बॉडी, डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो हाउ वी कैन डिफाइन इट, द मैकेनिज्म डैट एलिमिनेट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट, याद रखना है एक्सक्रीशन जो है उसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इजेशन और एक होती है सिक्रीशन। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जैसे हम मूव करेंगे तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजेशंस क्या होती है, अगर अनडाइजेस्टिबल पार्ट को बॉडी से निकाला जाए, और अनडाइजेस्टिबल पार्ट जो होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए डिसएडवांटेजेबल होते हैं, सो अगर उनका रिमूवल हो तो हम उसको इजेशन बोलते हैं। अगर उनका रिमूवल ना हो बल्कि कुछ ऐसी सब्सटेंस का रिमूव हो जो कि यूज़फुल भी हो सकती है लाइक हार्मोन्स, तो डैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सिक्रीशन। ये सिक्रीशन का जो वर्ड है वो चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हम एक चीज़ और को रीड करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस। तो याद रखें, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, एवोल्यूशनरी बेसिस में होम्योस्टेसिस अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। होम्योस्टेसिस की बेस पे ही एवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा टेक प्लेस हुई है। इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 24 में भी रीड करेंगे कि किस तरह हो एवोल्यूशन जो है होम्योस्टेसिस के साथ लिंक करती है। जहाँ पर आपने इस चीज़ को रीड करना है और याद रखना है, जो होम्योस्टेसिस है वो आपके इंटरनल बॉडी फ्लूड को, इंटरनल सिस्टम को नैरो रेंज में रखती है। नेक्स्ट, इसको अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि वो मैकेनिज्म जो कि वाटर सॉल्यूट्स के को रेगुलेट करेगा, डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन। वो मैकेनिज्म जो आपके इंटरनल टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में रखेगा, डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन। और वो मैकेनिज्म जो कि
आपके इंटरनल आप नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालेगा। डैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। एक और चीज़ जो आपने मेमोराइज रखनी है कि जो आपका सिस्टम है, जो होम्योस्टेसिस है, वो दो जगह पे होती है। मैं ये वो पहला वाला टॉपिक जो है वो इसकी हाफ वीडियो बना रहा हूँ, हाफ वीडियो नेक्स्ट में हम बनाएंगे इंशाल्लाह। होम्योस्टेसिस दो लेवल पे होती है, एक होता है सेलुलर लेवल और एक होता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल। याद रखें कहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा वेरी करता है, कहाँ पर एक्सटर्नल टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आती हैं। तो इस चीज़ को लास्ट में मेमोराइज रखना कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर एक्सटर्नल टेम्परेचर में एक्सटर्नल जो चेंजिंग्स हैं, टेम्परेचर लगा रही है, एक्सटर्नल जो चेंजिंग्स हैं या जो फ्लैक्चुएशंस हैं वो वाइडर रेंज की होती हैं। मीन कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर जो एक्सटर्नल चेंजिंग्स हैं, जो फ्लैक्चुएशंस हैं, वो वाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सेल लेवल। यहाँ पर लो रेंज की होती है। मिसाल के तौर पर मैं इसको डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें, ये फर्ज करें कि ऑर्गेनिज़म्स हैं, ऑर्गेनिज़म के अंदर ही सेल पाया जाता है। तो ऑर्गेनिज़म ये मैं बाहर जो रेक्टेंगुलर शेप है मैंने एक्सप्लेन किया, इसको मैं एज़ कंसीडर कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनिज़म है और ये है सेल। तो आप देखें ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका है, सेल का या ऑर्गेनिज्म का? डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म्स का। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लैक्चुएशंस है उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कौन होगा, ऑर्गेनिज्म होगा कि सेल होगा? डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म होगा। सो आपने इस चीज़ को मेमोराइज रखना है कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल में एक्सटर्नल चेंजिंग जो है, एक्सटर्नल फ्लैक्चुएशन जो हैं, वो वाइडर रेंज की होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सेल लेवल। और ये मैंने तकरीबन अबाउट टू पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन की है, थर्ड पैराग्राफ और उससे जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपने इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको रीड करना है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइव लेक्चर्स लेना चाहते हैं या कुछ लाइव चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, एनी कन्फ्यूजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज़।